जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। और मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल @SKFS07 कैंपस स्पोर्ट्स ब्लॉग के अंदर। और चूंकि सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और सैल्यूट करता हूं अपने सेना के जवानों को जो कि बॉर्डर पर दिन रात मेहनत करके हम सभी को सेफ, सुरक्षित और हम अपने घरों में जिनकी वजह से हैं, तो उन्हें नमन करता हूं मैं। और इसी के साथ आज एक और संयोग, बहुत ही अच्छा संयोग है, और माँ शारदा का दिन, बसंत पंचमी का भी दिन है आज, तो मैं माँ शारदा को भी प्रणाम करता हूं चरणों में, जिनकी वजह से आज हम कुछ बोल पाते हैं या कुछ सुन पाते हैं। जो भी विद्या बुद्धि की देवी हैं माँ शारदा, तो माँ शारदा को भी नमन करते हैं हम। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना ये ब्लॉग, और जिसके अंदर आज का जो विषय है मेरा, आज का जो ब्लॉग का विषय है वो ये है कि कैंपस बनाम कोलंबस। जी हाँ, दो शूज की कंपनियां हैं, एक कैंपस और दूसरी कोलंबस। तो क्या अंतर है इन कंपनियों के अंदर, ये कौन सी कंपनियां हैं, दोनों के क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैंपस और कोलंबस के शूज, तो कैंपस के शूज क्या हैं और कोलंबस के शूज क्या हैं, ये आइए आज आपको हम इस ब्लॉग के अंदर बताते हैं। तो स्किप मत कीजिएगा जानकारी को और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लें और लाइक दें, और अगर अच्छी लगे जानकारी तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। और मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसा ही आप लोग आगे बढ़ाते रहें, आप सबका प्यार मिलता रहे। और आइए अब शुरू करते हैं अपनी आज की ये ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, मेरे हाथ में जो ये पहला शूज है ये कोलंबस कंपनी का है, कोलंबस गोल्ड के नाम से ये बॉक्स बनाती है कंपनी। और कोलंबस का ये जो मॉडल है ये फ्रिक्शन, पहले भी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पूरी वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और ये जो शूज़ है इसका नाम है फ्रैक्शन, और MRP जहाँ तक इसकी है 1599। एक बार आप ध्यान से देख लें, 1599 MRP, और फ्रैक्शन के नाम से ये शूज़ है जो कि कोलंबस कंपनी का है। और दूसरा जो जूता है वो है हमारा जाना पहचाना नाम, काफ़ी फेमस हो चुका है ये ब्रांड, तो कैंपस। और कैंपस में ये सेंसर नाम से जूता है, देख सकते हैं ध्यान से, कैंपस सेंसर, और MRP 1999। तो ये रहा कैंपस का सेंसर और ये फ्रैक्शन। तो ये दो जूते हैं कैंपस के। तो दोनों में क्या खासियत है, क्या अंतर है, और क्या अंतर है कोलंबस और कैंपस के अंदर, आइए आज आपको बता रहे हैं। तो चूंकि दोनों जूतों में से सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कैंपस के जूते की। आप देखिए ये कैंपस का सेंसर शूज, ये बटर पेपर इसका, और आप शूज देख सकते हैं। जी हाँ, एक बार ओवरव्यू शूज का देखिए, काफी प्यारा, काफी सॉफ्ट इसका सोल, काफी मजेदार, कुछ यूनिक लुक। हाथ में लेने के बाद ही पता चल जाता है कि ब्रांड होता क्या है। कैंपस और कोलंबस दोनों ही ब्रांड। तो जहाँ तक मैं बात करूँ इस शूज़ की, कैंपस की, तो इसकी ना MRP है 1999 रुपया, और क्वालिटी वाइज कैंपस का बहुत ही प्यारा शूज, ट्यूब सोल प्रयोग किया गया है। इस सोल को आप ट्यूब सोल बोलते हैं, आजकल सभी लेटेस्ट जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं तो उसमें इस सोल का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये सोल। तो ट्यूब सोल कई कंपनियाँ प्रयोग कर रही हैं, अच्छी अच्छी कंपनियाँ। तो ये ट्यूब सोल के अंदर ये जूता है बिल्कुल नया, और इसकी MRP है 1999 रुपये। पॉइंट नोट कीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, 1999 रुपये, यानी कि लगभग 2000 रुपये की MRP का ये जूता है कैंपस के अंदर सेंसर नाम से। ये तो कैंपस का जूता हो गया, अब आइए दिखाते हैं CLB का जूता। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। देख सकते हैं ये CLB का जूता है, इसका बटर पेपर हम हटाते हैं और देखिए सेम पैटर्न, ओवरव्यू एक बार देख सकते हैं आप, ट्यूब सोल लुक दोनों ही जूतों का सेम,
लगभग एक ही मॉडल एक ही पैटर्न है। जी हाँ, लगभग नहीं, पूरी तरह से एक ही मॉडल एक ही पैटर्न पे बने हुए दोनों जूते। ट्यूब सोल दोनों में प्रयोग, मॉडल की कॉपी की गई एक तरफ से, कैंपस का सीएलबी ने कॉपी कर लिया है। हम बोल सकते हैं कैंपस और सीएलबी में एक दूसरे को कॉपी करने की होड़ मची हुई है। तो देख सकते हैं दोनों ही जूते मेरे हाथ में इस वक्त हैं। और वेट की जहां तक बात करूं तो लगभग सेम वेट, वजन में भी दोनों ही सेम है जूते। जो वजन इसका है वही वजन इसका भी है। अब अंतर क्या है, अंतर क्या है इन दोनों जूतों में, तो मैं कैंपस का प्राइस बता चुका हूं, आप फ्रिक्शन का भी प्राइस देख लीजिए एक बार, शायद आपको दिख रहा होगा इसका प्राइस यहां पे 1599। तो 1599 यानी 1600 रुपया, और इसका प्राइस है 2000 रुपये। तो 1600 2000, सबसे पहला डिफरेंट 400 रुपये का डिफरेंट है दोनों ही जूतों के अंदर। क्वालिटी वाइज दोनों ही अच्छे जूते हैं, दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, दोनों ही अच्छे जूते हैं। कैंपस का जो ट्यूब है, आप जो ये ट्यूब देख रहे हैं काफ़ी लचीला है और काफ़ी सॉफ्ट, जबकि इसका ट्यूब जो है ये काफ़ी हार्ड है। मटेरियल में जरूर कुछ कमी है, मैं सीधे तौर पर बोलता हूँ, सीएलबी के मटेरियल में सीधी तौर पर है कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। काफ़ी हार्ड ट्यूब बनाया है सीएलबी ने, इसके ट्यूब की क्वालिटी वो नहीं है जो कैंपस फील दे रहा है। कैंपस की ट्यूब की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट टिक इसके अंदर। इसकी जो प्लस पॉइंट है सीएलबी में मैं दिखा रहा हूँ, इसने 1600 रुपये में मेमोरी टेक फोम प्रोवाइड कराया है। मेमोरी टेक फोम जो कि आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी कुशनिंग होती है मेमोरी टेक फोम की, जबकि कैंपस ने 2000 रुपये में भी मेमोरी टेक फोम प्रयोग नहीं किया है। देख सकते हैं 2000 रुपये कीमत तो रखा है लेकिन मेमोरी टेक फोम नहीं प्रोवाइड कराया है। अदरवाइज क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है बाहर से लुक, लेकिन मेमोरी टेक फोम नहीं। तो नाम पे भी कराया कैंपस अपने, काफ़ी बड़ी पहचान भी कर चुका है कैंपस, कोई परिचय का मोहताज नहीं है आज। कैंपस की ब्रांड टॉप लीडिंग ब्रांड, पूरे शूज मार्केट में 17% कब्जा है कैंपस का। सोच सकते हैं बहुत बड़ी बात होती है, पूरे स्पोर्ट्स शू के मार्केट में इंडिया के अंदर में 17% कब्जा अकेले अगर कोई शूज बिकता है तो वो होता है कैंपस। और इससे जबरदस्त टक्कर दे रही है इस वक्त, जबरदस्त टक्कर, तो वो है कंपनी सीएलबी यानी कि कोलंबस। सेम डिजाइनिंग सेम पैटर्न निकाल रही है, प्राइसिंग में लगभग 400 500 600 का अंतर रह रहा है दोनों ही जूतों में। और यही चीज है कि कोलंबस जो है कैंपस को लगभग पीछा कर रही है जितनी तेजी से करे, आगे क्या होता है ये दोनों ही कंपनी जाने, लेकिन एक तरह से कैंपस को एकदम पीछे से दबोच रही है कोलंबस, उसके हर मॉडल का कॉपी निकाल रही है। और यही कारण है कि हम लोग अपने शोरूम पे भी कैंपस के जगह साथ साथ कोलंबस के भी शूज रखना शुरू किए हैं, क्योंकि लोग मार्केट से आते थे चूंकि यही जूता देख के आएंगे मार्केट में, पैटर्न तो यही है। अब 2000 है, कोई लेस करके अब मान के चलो कि 1600-1500 जितने का जो दे, अगर कोई 25% देता है तो 1500 का मेरे यहाँ, तो इस समय आप जानते हैं कि 30% लेस। इन सारे नए जूतों पे 30% लेस हो चुका है, और 30% लेस किसी भी व्यक्ति को आएगा उसके ऊपर कोई बार्गेनिंग नहीं, ये प्राइस फिक्स है। तो 30% लेस करते हैं तो ये 1400 का पड़ेगा, और इसे लेस करेंगे तो लगभग 1100 के करीब जाएगा, फिर भी 300-400 का अंतर आएगा लेस करने के बाद भी। अब लोग आते थे ये जूता देख के मार्केट से, सॉरी ये देख के, और बोलते थे कि ये तो शूज सेम है और इतने का मिल रहा है मार्केट में। तो दोनों ही रखते हैं हम, दोनों ही ब्रांड मिल जाएंगे हमारे यहाँ शोरूम पे आपको, कैंपस और कोलंबस को, लगभग सारे ब्रांड। जैसे कैंपस में जूता आता है 1899 का नॉर्थ, और सीएलबी ने उसे लॉन्च किया है लगभग 1199। अब सोचिए 600-600 रुपए का अंतर। तो दोनों ही शूज मिल जाएंगे, क्वालिटी क्या है पहनने के बाद आप खुद बताएंगे। और जो मेरे से बन पड़ता था जितनी मुझे जानकारी थी मैंने बताया इस शूज के बारे में, और कोलंबस और कैंपस में क्या अंतर है ये समझाने की आपको पूरी कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये दोनों जूते मेरे हाथ में अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाइयों ने तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो इसी के साथ ये जो मेरा आज का ब्लॉग है ये समाप्त होता है, और आप लोग मस्ती से अपने घरों में वसंत पंचमी का त्यौहार मनाएं, और साथ ही साथ 26 जनवरी को भी सेलिब्रेट करें। इन्हीं सब के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, और हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी रिपब्लिक डे, नमस्कार।